नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में एक नौजवान की तेज धार हथियारों से हुई हत्या, पुलिस जांच में जुटी। CIA स्टाफ जालंधर की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को किया काबू, 19 पेटी अवैध शराब और एक इनोवा गाड़ी की बरामद। संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के आगे दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर किसानों ने शुरू किया आंदोलन, CM आवास के नजदीक भारी पुलिस बल तैनात। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में लगातार ही लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती हुई नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में, जहां एक नौजवान की तेज धार हथियारों से हत्या करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान साहिल प्रीत के तौर पर हुई है, जिसका 3 महीने पहले ही विवाह हुआ था। वहीं मृतक नौजवान का अमृतसर के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पारिवारिक सदस्यों द्वारा जो बयान दर्ज करवाए जाएंगे, उसी के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये लड़का ही साहिल प्रीत सिंह, सन ऑफ गुरमीत सिंह, वासी गली नंबर 13 मकबूलपुरा। यदी माता बलजिंदर कौर के बयान मुताबिक जो मुकदमा दर्ज FIR दर्ज हुई है, वो मुताबिक यह भी 9:30 करीब रात घरों गया। उस तो बाद उन्होंने पता लगा भी उन्होंने लड़का जोड़ा वा बेहोशी की हालत में सड़क पर बहर पिया हो। उन्हें जाके वेख के होस्पिटल लैके गए तो पता तो डॉक्टर वालों उन्होंने मृतक ऐलान दिता गया। मुकदमा दर्ज है, मुख्य अफसर थाना की तफ्तीश कर रहे हैं। हाल की घड़ी कोई गल सामने नहीं आई, जो भी गल सामने आऊगी मुख्य अफसर साहब। सर, ये कोई पुरानी रंजिश है सामने? कोई अजे तक कोई गल सामने नहीं आई सर। ये कोई CCTV फुटेज या अजे तक नहीं, कोई गल नहीं। सर, कितने महीने पहले मैरिज हुई? 3 महीने पहले। सर, अभी तक कोई घर देना बयान नहीं सामने आ रहा कि लगदा नहीं कि पुरानी दुश्मनी का कोई है? नहीं जी, इसकी माता ने जो लिखाया उसके मुताबिक ही तफ्तीश चल रही। CIA स्टाफ जालंधर ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 2 शराब तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIA स्टाफ के इंचार्ज SI अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान काजी मंडी चौक जालंधर के नज़दीक मौजूद थी। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि 2 नशा तस्कर चंडीगढ़ से नाजायज शराब लाकर आसपास के इलाकों में बेचने का काम करते हैं, जो कि शराब लेकर काजी मंडी की तरफ आ रहे हैं। इसी के आधार पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अमित शर्मा निवासी थाना सतनामपुरा जिला कपूरथला और किशन दास निवासी भीमनगर काजी मंडी जालंधर को काबू किया है, जिनके पास से 19 पेटी अवैध शराब और एक इनोवा गाड़ी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सिंह संधु IPS कमिश्नर पुलिस दिशा निर्देशों हेठ श्री जसकरनजीत सिंह तेजा DCP इन्वेस्टिगेशन, श्री परमजीत सिंह SP इन्वेस्टिगेशन दियादतानुसार जो कार्रवाई नशा समगलना के माड़ा अंसरा वुद चलाई गई विशेष मुहिम तहत CIA स्टाफ की टीम ने काजी मंडी चौंक में नाका लगाया हुआ कि मुखबरी हुई कि किशन दास वासी काजी मंडी ते अमित कुमार शर्मा वासी फगवाड़ा जो कि नजायज शराब चंडीगढ़ दी लिया के बेचते ने एरिए बेचते ने ते सरकार नूं मालीयत नूं नुकसान पहुँचा रहे ने, जो नाके दौरान इन्हां दी कार नोवा नंबरी PB08DS 7916 रंग चिट्टा नूं गिरफ्तार करके 19 पेटियां पावर स्टार विस्की 999 बरामद कीतियां वा, जिन्हां दे तहत मुकदमा नंबर 284 61 14 78 2 एक्साइज एक्ट तहत थाना रामा मंडी में मुकदमा दर्ज करके इन्हां नूं अदालत में पेश करके जुर्माना हासिल किया गया कि ये चंडीगढ़ तो किस पासों शराब खरीद के लिया गा कितने कितने सप्लाई करते हैं, तो इन्हों लिंक कंघाले जा रहे हैं, डगाई ना पुछगिछ की जा रही। संगरूर में मुख्यमंत्री आवास के आगे दिल्ली मोर्चे की तर्ज पर किसानों ने एक आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से यह बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया है, जिसका मुख्य कारण वे मांगे हैं जिन्हें पंजाब सरकार पूरा करने का वायदा कर चुकी है लेकिन उनको लागू नहीं किया। इन मांगों में किसानों के फसल के हुए नुकसान का मुआवजा, किसानों पर दर्ज मामला रद्द करने का मामला, माइनिंग एक्ट के तहत धान की पराली को लेकर कोई हल ना होने का मामला, ऐसी दर्जनों मांगों को लेकर यह पक्का मोर्चा लगाया गया है। किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर पूरे पंजाब भर से पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर 50,000 की गिनती में किसान बैठे हुए हैं। साथ ही भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है, जो रास्ता मुख्यमंत्री के घर की ओर जाता है और जिस कॉलोनी में मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर है उसके चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बैरिगेडिंग की हुई है और कंटीली तारें लगाई हुई हैं। इस दौरान किसानों ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार उनकी मांग चाहे एक हफ्ते में माने, एक महीने में या फिर 6 महीने में, जब लिखती तौर पर उनकी मांगें मानी जाएंगी और इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी होगा तब वे यहां से धरना समाप्त करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ पंजाब सरकार के खिलाफ ही मोर्चा नहीं है बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरा नाम रघुवीर सिंह, पिंड कई चट्टे नकटे जी। हाँ जी, दिल्ली के बॉर्डर से ट्राली लेके गए थे, उत्तों लिया के घर शेड च खड़ाती, हूँ लोड पी तो इतने लेके आ गए। हाँ जी, पूरी तैयारियां, 6 महीने का राशन पानी लेके तुरिया जी। हाँ जी, तैयारी पक्की है साड़ी, मोर्चे जाए जिन्ना चर साड़ियाँ मंगा पूरिया नहीं होंदिया असं घर में जाते नहीं, मगर साड़िया माइया भी आ गई तो मंदिया रहनगियाँ, एवं जो बदली हो पक्का मोर्चा लाई बैठे हाँ। ट्राली के राशन पानी सारा जी, चाह पत्ती जो है, खंड खुंड दुध दुध घरों आ जाता रोज़, 10 किलो इतने बना बना पी जाने जी, पखे पुखे ला रखे ने, कंबल है थले गद्दे बिछाए ने, सारा प्रबंध है पूरा पैंट सौन का। हाँ जी, ये असं 17-18 बंदे पै जाने, यदि 19 फुट लंबाई है, 9 फुट चढ़ाई है, ये सारा साधन है, जाली लगे, मच्छर मक्खी का कोई डर नहीं, सब कुछ ठीक प्रबंध करके आए जिते कसे का नहीं, नाल पानी वाली टंकी खड़ी है भर लें जब मुक जाती है, सब कुछ है, जिन्ना चर साड़िया मंगा पूरिया नहीं होंदिया उन्ना चर घरे नहीं जाते। राज्य भर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिले के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा फौजा सिंह सरारी की गिरफ्तारी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और मौजूदा विधायकों के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान बलराज ठाकुर ने बताया कि लोगों ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जिताकर सत्ता में लाया था और आम आदमी पार्टी की सरकार ने VIP कल्चर को खत्म करने की बात की थी, पर सबसे ज्यादा VIP कल्चर आम आदमी पार्टी में ही देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने फौजा सिंह सरारी की ऑडियो की बात करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। उन्होंने यह भी कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अब तक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है और लोगों ने इस करके जिता के भेजी थी, उन्होंने बड़ी आस थी कि एक नवी नॉन रवायती पार्टी है, दूजी पार्टियां दे विच प्रॉब्लम आ गई है, उन्हां च करप्शन बढ़ गई है, दूजा बढ़ गया, ये इशू नूं लैके वह सरकार आई है और अज इन्हां दी कथनी और करनी दे विच फर्क नज़र आ रहा। चाहे उन्हां दी असीं पुरानियां फोटो देख लो, केजरीवाल जी दी फोटो सीगियां, उस स्टेशन के उत्ते लंबे पे हुए है, कोई सिक्योरिटी नहीं, असी लैनी, असी कोठी लैनी। अज तुसीं साडे जिहड़े MLA साहिबान नूं घूमदे देख लो ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
शो किया भी असं बड़ी वही कुरबानी कर रहे हैं अपने बंद भी कर रहे हैं, पर जी हूँ एक वीडियो वायरल हुई है फौजा सिंह सरारी होना की मंत्री होना की वीडियो कर वायरल हुई है जी पब्लिक जनतक है जिन उन्होंने OSD ने मंगे मनिया कि मेरे नाल गलबात हो रही है वो सैटिंग हो रही है किस तरह असी बंद गड्डी लोड करने तो बाद कदों असी फड़ना है कदों को असं कि पैसे वो असं वो पैसे लै सकते हैं वो गलबात वीडियो जी वायरल हुई है और वायरल होने के बावजूद भी जी कार्रवाई नहीं की साड़ी पार्टी ने विधानसभा के भी यदि आवाज़ चुकी है पर लेकिन कोई उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। असी उस मुद्दे से लैके अज इस धरने के उत्ते बैठे हैं। असी मोरेंडम गवर्नर साहब बनवारी का पुरोहित मेमोरेंडम देना है DC साहब के थ्रू मेमोरेंडम देना DC साहब के थ्रू और असी ये धरने तो बाद असी मोरेंडम जरा है उन्होंने देवे और मंग करा असी जी बर्खास्तगी जी मंत्रिमंडल बर्खास्त की जाए यहोजी जी कार्रवाई है निंदन योग है ये करप्शन के खिलाफ लड़न से वादा करती है और करप्शन शैल्टर दे रही है अपने बंद शैल्टर दे रही है और कांग्रेस के बंदे जिन्होंने बच्चे कोई आरोप नहीं है दोष नहीं है उन्होंने तरीके बिना किसी कारण दसे उन्होंने अरैसट कर रही उन्होंने रेड मार रही है इस करके असी जी कांग्रेस है विरोध कर रही है। अमृतसर शहर में बिजली बंद होने पर हर एक व्यक्ति को SMS के जरिए सूचना प्राप्त होगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और इस सूचना के माध्यम से कितने बजे से लेकर कितने बजे तक बिजली बंद रहेगी इस बारे में भी बताया जाएगा। उक्त बात का प्रगटावा बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने मुख्य इंजीनियर बॉर्डर जोन के कार्यालय से कंप्यूटर पर क्लिक कर इस सेवा का आरंभ करने के दौरान किया। उन्होंने बताया कि यह पहला पायलट प्रोजेक्ट बटाला शहर में ट्रायल के रूप में शुरू किया गया था जहां इसे काफ़ी समर्थन मिला है, जिसके बाद अब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अमृतसर शहरी इलाके में शुरू की गई है और आने वाले 15 दिनों में शहर के बाकी हिस्से जो कि सब अर्बन सर्कल में आते हैं उन्हें भी इस स्कीम में जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पायलट प्रोजेक्ट में 14 सब स्टेशन से चलते लगभग 141 नंबर 11 KB फीडर शामिल किए गए हैं जिसके माध्यम से 2,27,000 अलग अलग श्रेणियों के खपतकारों को भी सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि PCS PCL की टीम बधाई की पात्र है जो कि काफ़ी दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वहीं आगे बोलते हुए बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है उसी तरह ही बिजली चोरी करने पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग की इमारतों की भी जल्द ही मरम्मत करवाई जाएगी ताकि वहाँ पर काम कर रहे स्टाफ को भी किसी भी तरह की मुश्किल पेश ना आए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो अज अमृतसर सिटी दे विच असी एक PSPCL का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। इहदे विच सानू कंज्यूमरस दियां कई बारी काफ़ी कंप्लेंट्स आउंदियां सीगियां कि जदों मेनटेनेंस वास्ते सानू कोई शटडाउन करना पैंदा ते लोग बड़े परेशान हुंदे सीगे इस गल तों। असी ये पायलट प्रोजेक्ट दे विच जिस भी एरिए दी जिस भी कंज्यूमर दी लाइट जड़ी आ वो ऑफ करनी है तो उहदे वास्ते उहनां नूं एक थ्रू SMS जड़ा मैसेज चले जांदा जिहदे विच बकायदा डेट एंड टाइम मैनशन हुंदा कि इन्ने वजे तों लेके इन्ने वजे तक जड़ी लाइट आ ये फॉर मेंटेनेंस परपजस जड़ी आ बंद रहेगी। सो इहदे नाल उह अपने बदलवें प्रबंध कर लैंदे ने। अदरवाइज़ जदों किते लाइट जांदी सीगी तो एक साडे जिहड़े सिस्टम आ कंप्लेंट वाले वह भी एकदम बर्डनड हो जाते सीगे। सो लोग भी परेशान होंदे सीगे। सो असी उन्हां दे सहूलत नूं मुख रखदे आ कि वह अपने बदलवें प्रबंध कर सकन। इस करके वैसे तो कोई ज़्यादा समा असी लाइट बंद नहीं करते क्योंकि इत्थे 24 घंटे की सप्लाई आ, पर फिर भी कदी कदाई मेनटेनेंस परपजस वास्ते जिहड़ी आ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਰੋ ਹੈਂਡ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਆ
वह भी अज प्रबंध किया, एनर्जी ऑडिट भी करा। देखो बिजली सेव करनी जी आडा सारे का फर्ज तो बनता ही है, पर नाल नाल कस्टमरस के कंज्यूमरस के अवेयरनैस जी भी पैदा करनी होंगी है। सो असी एनर्जी ऑडिट वास्ते साड़ियाँ टीम जड़िया ने पूरी तैयार ने, असी एनर्जी ऑडिट भी इस पायलट प्रोजेक्ट के अधीन करा। सर ऑलरेडी पहले भी समाचार पत्र राही या टीवी चैनल राही महकमे वालों दसा जाता है कि इस दिन बिजली मेंटेनेंस करके बंद रहेगी, तो यह इंडिविजुअल मैसेज आएगा? देखो वो जड़ा न्यूज़पेपर राही भी असं दसते हैं जां होर भी मैसेज जाते हैं, पर ये जड़े भी कंज्यूमरस ने उन्हां दे जिहड़े साडे कोल रजिस्टर्ड ने जिन्हां दे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ने उन्हां नूं SMS जड़ा वो चले जाएगा, तो सो इंडिविजुअल हर एक जड़ा कंज्यूमर है उन्हें पता लग जाएगा। देखो ये असी पहला सब तो पहला तो असी बटाले दे शुरू किया, सो ये दूसरा अमृतसर अज पंजाब दूसरा सिटी बनया जिदे पायलट प्रोजेक्ट जरा शुरू किया गया, हौली हौली असं ये पूरे पंजाब दे लागू करा। बहुत सारे इलाके सर जिते कि तारा बहुत नीवियां जांदियां ने, काफ़ी सारे हादसे हो जाते हैं, देखो असी कोशिश कर रहे हैं। पिछे भी असी एक अंडरग्राउंड जरा 3.5 किलोमीटर का सकत्री बाग तो लेके माल रोड तक एक अंडरग्राउंड असी सिस्टम जरा शुरू किया। सो हौली हौली असी कोशिश दे कि जड़े ने जिथे जिथे भी संभव हो सके उत्थे असी अंडरग्राउंड सप्लाई जी शुरू कर सके। स्वास्थ्य मंत्री पंजाब चेतन सिंह जोड़ा माजरा जीरा के गांव ठट्ठा किशन सिंह वाला में पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने विरोधी पार्टियों पर तीखे शब्दी वार करते हुए कहा कि पिछली सरकारों द्वारा पिछले 75 वर्षों से डाला हुआ गंद साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी को समय लगेगा। आम आदमी पार्टी के मंत्री फौजा सिंह सरारी पर कार्यवाही ना होने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें हैरानी हो रही है कि वह कांग्रेसी जिनके मंत्री और विधायक जेलों के अंदर बैठे हैं वे ऐसे सवाल उठा रहे हैं। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। साडे MLA साहब और साडी भैन राजकौर गिल कटारी साहब इस हल्के दो MLA साहब ने और साडी भैन इस पिंड दी वसनीक है। सो इन्होंने बेनती की थी कि साढ़े पिंड जिहड़ी हेल्थ सेंटर है उसनू थोड़ा होर जिहड़ा अपग्रेड करने की लोड़ है, सो उन्हूं देखने वास्ते इत्थे पहुँचे हैं और आउण वाले समय च जिहड़ा इह च जिहड़ी आउण तब्दीली है जिहड़ी आउण वाले समय च देखो साढ़े सिविल सर्जन साहब साढ़े होर जिहड़े संबंधित जिहड़े हैगे डॉक्टर साहब सारे पहुँचे उत्थे डिस्कस की और उन्हूं आउण वाले समय च जिहड़ा अपग्रेड करा। देखो देखो वैसे तो शर्म की गल है कि कांग्रेस में जोड़े सारे अंदर बैठे ने वो यही गल करते हूँ जी गल है तुम कही RDO की उसकी जांच होनी होती है। सो आप इतने पता नहीं लगता कदों टैंपर की जा सकती है, सो ये हजे बिना उस तो मुझे कड़ी फिरते हैं पानी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। छे महीने होया सरकार आई नूं जो 6 महीने च किया लंघिया सरकारां 5-5 साल च नहीं कर रही बस इन्नी क्या पंजाब के जिहड़े साढ़े लोग आ उन्हां नूं उम्मीद बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी तो इस करके जिहड़े भी लोग आ वो ये कहिंदे आ भी साडा पहला कम मसला हल हो जाए साडा मसला हल हो जाए मसले इन्ने उलझाए पए आ लंघिया सरकारां ने क्योंकि इस पासे वल गौर नहीं दिता। असीं हर एक दे जिहड़े मसले ने उन्हां नूं हल करना चाहुंदे आ पर उहदे वास्ते समां लगदा है। मैं 6 महीने दे विच 20,000 पोस्टां कढ़नियां कच्चे कामे पक्के करने और पुलिस की भर्ती होर जिहड़ी कढ़न जा रहे हैं 100 आम आदमी क्लीनिक बनाउणा 600 जुंट फ्री देना होर किन्ना कुछ कीता है किसी सरकार ने पहले 6 महीने च किया 4.5 साल तो अख नहीं खुलती हैगी लंघियां सरकारां दी। सो इस करके इन्हां दी जदों हुण जमीन पैरां थल्लों खिसक गई निकल गई तो हुण ये हथ पलाही मारते फिरते भी शायद सानूं इत्थों भी कोई खैर पै जाए इत्थों भी पर हुण इदां दा कुछ नहीं होण वाला। बहुत सारे हस्पतालां जिहड़े डाक्टर आ उह इक दो दुकानां रखियां ने ते उत्थे उहनां दी पर्ची जांदी आ सरकारी हस्पताल खीरा दी मैं गल कर रहा 2-3 डाक्टर इदां दे आ कि जिन्हां दी पर्ची तों सिर्फ इक जां दो दुकानां इक दुकान तों दवाई मिलदी है और बड़ा हाई रेट लाया जा रहा है। कोई थोड़ी नॉलेज कोई हैगा कोई सानूं उह दिखा दो सर उहदे जिहड़ी कारवाई आ कर
आप सरकार द्वारा गत दिनों 8736 अध्यापकों को पक्के करने का नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर अध्यापकों में खुशी की लहर पाई जा रही है, क्योंकि पिछले 16 सालों से कच्चे अध्यापक अकाली दल और कांग्रेस के राज में लाठियों का शिकार होते रहे और किसी भी पार्टी ने उनकी कोई फरियाद नहीं सुनी, जिसके बाद आप सरकार की ओर से जो वायदा किया गया था उसे निभाया गया है, जिसके तहत नाभा में अध्यापकों में खुशी की लहर पाई जा रही है और वह एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। कच्चे अध्यापकों जो 8736 कच्चे अध्यापक ने पक्के करने का एक इतिहासिक फैसला लिया है, ये साढ़े लिए एक बहुत ही सरकार वालों बहुत वधिया फैसला लिया गया। इस लिए असं सरकार का अपने पंजाब सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी कि साढ़ा जो पिछले लंबे समय तो जो साडा संघर्ष चल रहा है उस दे लई सरकार वालों साडियां मंगां प्रवान करते हुए ये 7 सितंबर अपना 5 सितंबर सरकार वालों अध्यापक दिवस से ऐलान किया गया कि कच्चे अध्यापकों को पक्का किया जाऊगा, जिस दे संबंध में 7 अक्तूबर सरकार वालों साडी 5 मैंबरी कमेटी को नोटिफिकेशन सौंपया गया जी। इसलिए सरकार का असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। फैसला बहुत ही शलाघाजोग है जी, जो साढ़े लिए बहुत वधिया, क्योंकि सानू पिछले 15 सालों तो असीं हमेशा संघर्ष किया, जेलां भी कट्टियां सरकारां दे टाइम, अकाली दल टाइम भी असीं बहुत जेलां कट्टियां ते कांग्रेस टाइम भी सानू जेलां कट्टियां ते डांगां भराईयां सारियां सरकारां ने, पर आम आदमी पार्टी ने हमेशा साडा साथ दित्ता जो उन्होंने कहा ते हुण कीता, ते असीं सारियां दा धन्नवाद करदे आं। मुख्य मंत्री भगवंत मान जी दा बहुत धन्नवाद करदे आं जिन्हां ने सारे पक्के टीचर कीते हन। इस नाल बहुत लंबा थल्लिया साडा, पर जो पंजाब आप सरकार ने साडे नाल वादा कीता सी नवंबर दे विच ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਰੇ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰੀ ਸੀ ਇਹ, ਪਰ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। DC ਕਾਰਿਆਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਔਰ ਸੇ 10 ਸੇ ਲੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੰਗੋ ਕੋ ਲੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇ ਉਨਕੇ ਰਾਜਯ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੰਗੋ ਕੋ ਲੇਕਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀ ਗਈ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹੇ ਮਜਬੂਰਨ ਯਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ DC ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ PSMSU ਵੱਲੋਂ 4 ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਦੂਜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਤੀਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ। 4 ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ PSMSU ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 42 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਡੇਟ ਪਾਦਨ ਚਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ? ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਜੀ। ਚਲਾਣ ਖੇਚੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਸਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਐਲਡੀ ਡੇਟ ਕਦ ਪਾ ਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਲਾਣ 'ਤੇ ਡੇਟ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਣ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾ ਦੇ ਲਓਗੇ?
ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪੈਨਲਟੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਪੜੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਮੂਸੇਵਾਲ ਸਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਹੋ? ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਹੁਣ ਸਰ ਮਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਆਣ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਜੂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਵਾਪਸੀ ਹੈ USA। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਚਲਾਨ ਭੁਗਤਣ ਲਈ? ਹੁਣ ਸਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਪਈ ਚਲਾਨ 'ਚ? शरद पूर्णिमा के अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर के पावन दरबार स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार की तरफ से बालाजी की विशाल चौकी का आयोजन किया गया। इस मौके पर गायक सुनील रावत एंड पार्टी लुधियाना वालों ने बालाजी और शरद पूर्णिमा महोत्सव की महिमा का गुणगान करते हुए मधुर भजन प्रस्तुत कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। सुनील रावत ने बताया कि जो व्यक्ति हमेशा अपने माता पिता तथा गुरु की सेवा करता है, श्री बालाजी महाराज की कृपा उन पर बनी रहती है। श्री बालाजी की आरती के साथ चौकी को विश्राम दिया गया। श्री बालाजी को 56 भोग अर्पित किए गए। इस दौरान संगत के लिए लंगर का प्रबंध भी था। इस दौरान शरद पूर्णिमा महोत्सव पर संकट मोचन बालाजी को खीर का भोग भी लगाया गया। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवीतालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कैशियर पविंदर बहल व श्री देवीतालाब मंदिर के प्रमुख सेवादार रमन शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार की तरफ से आए हुए बालाजी के भक्तों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुमेश अग्रवाल, पुरुषोत्तम लाल गुप्ता, अश्वनी अग्रवाल बिल्ला, राकेश अग्रवाल, राजीव शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, अनिल जिंदल, ललित महाजन, दविंदर गुप्ता, राजकुमार शर्मा, शांति स्वरूप शर्मा, प्रवीण मदान, राजेंद्र अग्रवाल, अतुल मल्होत्रा, चंद्र दत्ता, मधुसूदन अग्रवाल, ताराचंद अग्रवाल, इंद्र कुमार, रमन गुप्ता, धर्मवीर मित्तल, मुकेश सहदेव, राकेश वधवा, अजय अलंग, विशाल अग्रवाल, वरिंदर खुराना, सुरेंद्र अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में भक्तजन शामिल रहे। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत और सुरेंद्र बाबा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।